बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डीबीएमएस की डिटेल्स आपसे शेयर की थी। आज के लेक्चर में हम फीचर्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एक डेटाबेस सिस्टम में क्या क्या खसूसियात होती हैं इसकी डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। तो दोस्तों, डीबीएमएस का जो सबसे पहला फीचर है वो है डेटा डिक्शनरी। और दोस्तों, डेटा डिक्शनरी क्या है? इट इज अ सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेंट दैट इज अ फाइल that stores the data definitions of the structure of data used in the database. यानी दोस्तों, ये data dictionary एक file होती है जो कि database management system का ही हिस्सा होती है, जिसमें database के structure की information store होती है कि जो database आप define करेंगे, जो data आप database में insert करेंगे वो किस type का होना चाहिए। मिसाल के तौर पर ये एक table का structure है और ये तमाम इसकी फील्ड्स हैं। तो यहाँ आप देखें तो फील्ड नंबर 1 जो है वो है लाइसेंस आईडी, और इसके सामने इसकी तमाम डिटेल्स लिखी हुई है कि लाइसेंस आईडी की डेटा टाइप क्या होगी, इसके डेटा का फॉर्मेट क्या होगा, इसकी फिक्स्ड लेंथ क्या होगी। और इसी तरह तमाम फील्ड्स, सरनेम, फर्स्ट नेम, सबका स्ट्रक्चर इसमें डिफाइन है। तो डियर फ्रेंड्स, यही फाइल दरअसल कहलाती है डेटा डिक्शनरी, क्योंकि ये बताती है कि जो डाटा बेस में आप डाटा इंसर्ट करेंगे उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। और दोस्तों, डाटा डिक्शनरी की वजह से आपके डाटा की इंटीग्रिटी भी बढ़ जाती है, और इंटीग्रिटी में दो चीजें शामिल है, डाटा का एरर फ्री होना और डाटा का कंप्लीट होना। तो डाटा डिक्शनरी में जब आपने एक टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया, अब जब आप उस टेबल में डाटा को इंसर्ट करेंगे, डाटा को डालेंगे, और इंसर्ट करते वक्त आप अगर गलत डाटा इंसर्ट करेंगे तो डाटा डिक्शनरी की बदौलत डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको एरर जनरेट कर देगा। जैसे यहाँ सरनेम की डाटा टाइप है टेक्स्ट, ये देखिए यहाँ पर ये सरनेम लिखा है और इसकी डाटा टाइप है टेक्स्ट, और आपने सरनेम इंसर्ट करते वक्त कोई नंबर भी इंसर्ट कर दिया, क्योंकि डाटा डिक्शनरी में डीबीएमएस इस फील्ड की डाटा टाइप, डाटा डिक्शनरी में इस फील्ड की डाटा टाइप डिफाइन है, तो DBMS फिर आपको बताएगा कि आप गलत डाटा इंसर्ट कर रहे हैं। और इसीलिए इसका ये एक पॉइंट देखिए, द डाटा डिक्शनरी मे मॉनिटर द डाटा बीइंग एंटर्ड टू मेक श्योर इट कंफर्म्स टू द डाटा डेफिनेशन रूल। यानी डाटा डिक्शनरी ये भी मॉनिटर करती है कि जो डाटा आप एंटर कर रहे हैं वो डाटा डिक्शनरी में डिफाइन किए गए रूल से भी मैच करना चाहिए। और इसीलिए दोस्तों, इसका लास्ट पॉइंट देखिए, The data dictionary is also used for data access authorization. यानी दोस्तों, जिस तरह data dictionary में आप database का structure define करते हैं, तो उसमें आप data access authorization define कर सकते हैं कि कौन-कौन से users आपके database को access कर सकते हैं। तो ये data dictionary एक बहुत ही अहम feature है database के हवाले से, जिसमें ना सिर्फ आप database का structure define करते हैं, बल्कि data dictionary उस structure को monitor भी करता है, और साथ के साथ डेटा एक्सेस ऑथराइजेशन को भी मॉनिटर करता है। तो दोस्तों, डेटा डिक्शनरी के बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो है क्यूरी लैंग्वेज। क्यूरी लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग टेबल स्ट्रक्चर्स, एंटरिंग डेटा इनटू द टेबल्स एंड रिट्रीविंग एंड अपडेटिंग द सिलेक्टेड डेटा। दोस्तों, डेटाबेस में रखे डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, यानी डेटाबेस में टेबल्स को क्रिएट करना, फिर इन टेबल्स में डेटा को डालना और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा को रिट्रीव करना, निकालना, उसमें चेंजिंग करना और डेटा को डिलीट भी करना, इन सब कामों के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक लैंग्वेज प्रोवाइड करता है, और इस लैंग्वेज को SQL स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज का नाम दिया जाता है। दोस्तों, SQL के जरिए आप सिर्फ डेटाबेस में ना सिर्फ डेटा मैनिपुलेशन कर सकते हैं, यानी डेटा पर मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, बल्कि जो आप अपने टेबल या डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे वो भी SQL के जरिए डिफाइन कर सकते हैं, कि फील्ड्स वगैरह की भी, डेटा टाइप क्या होगी, नेम क्या होंगे, लेंथ क्या होगी वगैरह। और इसीलिए वी कैन से कि द SQL कंटेन्स ऑल द फीचर्स ऑफ बोथ द डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। यानी SQL क्वेरीज के जरिए आप डेटा को डिफाइन और मैनिपुलेट दोनों कर सकते हैं। और दोस्तों, इट इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर द रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। दोस्तों, ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के मुताबिक अब इसको एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज कंसीडर किया जाता है रिलेशनल डेटाबेसेस के हवाले से,
और रिलेशनल डेटाबेसेस ऐसे डेटाबेसेस होते हैं जो टेबल्स यानी रॉस एंड कॉलम्स पर मबनी होते हैं, यानी इनमें हम रॉस एंड कॉलम्स के जरिए डेटा को इंसर्ट और रिट्रीव करवाते हैं। और दोस्तों इसीलिए इसका ये एक पॉइंट देखिए, दिस क्यूरी लैंग्वेज इज इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस और इंग्लिश लाइन कमांड्स। यानी दोस्तों एसक्यूएल लैंग्वेज को यूज करने का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि ये लैंग्वेज सीखना और लिखना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसकी कमांड्स को लिखना जो है वो इंग्लिश को लिखने जैसा ही है। जैसे अगर आप किसी टेबल में किसी रिकॉर्ड को निकालना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट का कीवर्ड यूज करेंगे, अगर टेबल में डाटा को इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो इंसर्ट का कीवर्ड यूज करेंगे, इसी तरह अगर टेबल में से डाटा को डिलीट करवाना चाहते हैं तो डिलीट का कीवर्ड यूज करेंगे, टेबल के अंदर मौजूद डाटा को अगर आप अपडेट करना चाहते हैं, उसमें कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो अपडेट का कीवर्ड यूज करेंगे। और इन तमाम वर्ड्स पर अगर आप गौर करें तो ये तमाम इंग्लिश के ही वर्ड्स हैं। इसीलिए दोस्तों एसक्यूएल लैंग्वेज को लिखना और समझना दोनों ही बहुत आसान है। और ये इसकी एक एग्जांपल भी देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट प्रोडक्ट नंबर कॉमा प्रोडक्ट नेम फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्राइस इज लेस देन 1000। यहाँ इस क्यूरी के का मतलब है कि सिलेक्ट करो फील्ड नंबर प्रोडक्ट नंबर को और फील्ड प्रोडक्ट नेम को, कहाँ से, प्रोडक्ट के टेबल से, और उस प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट नंबर को सिलेक्ट करें, निकाल कर लाएं जिसकी जिसके प्राइस जो है वो 1000 से कम है। तो दोस्तों किसी आम इंसान भी अगर इस लैंग्वेज को तो इजीली अंडरस्टैंड कर लेगा। तो दोस्तों क्यूरी लैंग्वेज के बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो है यूटिलिटीज। द डीबीएमएस यूटिलिटीज आर द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट आर यूज्ड टू मेंटेन द डेटाबेस बाय मैनिपुलेटिंग द डेटा रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स। दोस्तों जब आप डीबीएमएस को इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ कुछ स्मॉल प्रोग्राम भी इंस्टॉल हो जाते हैं, और इन स्मॉल प्रोग्राम्स को जिनको यूटिलिटीज भी कहा जाता है, इनके जरिए आपके डेटाबेस की मैनेजमेंट, उसकी परफॉर्मेंस और ज्यादा बढ़ जाती है और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और दोस्तों जब डीबीएमएस की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है तो यूजर्स डेटा को तेजी के साथ मैनिपुलेट कर सकता है, जो भी टास्क आप परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो तेजी के साथ परफॉर्म हो जाता है। इसीलिए वी कैन से सम प्रोग्राम आर आल्सो यूज्ड फॉर बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर्स ऑफ द डेटाबेस। दोस्तों परफॉर्मेंस के साथ साथ कुछ यूटिलिटीज प्रोग्राम्स ऐसे भी होते हैं जो कि डेटा की रिकवरी के लिए भी यूज किए जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो है रिपोर्ट जनरेटर। अ रिपोर्ट जनरेटर इज अ प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑन स्क्रीन और प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट फ्रॉम द डेटाबेस। दोस्तों ये तो आपके सामने एक रिपोर्ट है, और ये जो डेटा आपको नजर आ रहा है, ये तमाम डेटा ये एक्सट्रैक्ट किया गया है, निकाला गया है डेटाबेस से। तो दोस्तों ये रिपोर्ट जनरेटर क्या है, एक प्रोग्राम है जो कि आपके डीबीएमएस का ही पार्ट है, और इसके जरिए आप रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। ये रिपोर्ट किसी फिजिकल पेपर यानी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट पर भी जनरेट की जा सकती है, और आप कंप्यूटर स्क्रीन पर भी इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। और दोस्तों इस रिपोर्ट जनरेटर का फायदा ये है कि आप जिस फॉर्मेट में चाहें डाटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं। और ये इसका एक और पॉइंट देखिए, द रिपोर्ट फॉर्मेट कैन बी स्पेसिफाइड इन एडवांस। दोस्तों ये जो रिपोर्ट का फॉर्मेट है ये यूजर पहले ही डिफाइन कर देगा कि हेडिंग्स क्या होंगी, कॉलम क्या होंगे, पेज हेडर वगैरह क्या होगा, ये सब आपको रिपोर्ट जनरेटर को पहले ही बताना पड़ता है। और डियर स्टूडेंट्स आमतौर पर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो है एक्सेस सिक्योरिटी। और ये इसकी डेफिनेशन देखिए, द डीबीएमएस दैट अलाउज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर टू स्पेसिफाई डिफरेंट एक्सेस प्रिविलेजेस फॉर डिफरेंट यूजर्स ऑफ अ डीबीएमएस। दोस्तों किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर होता है वो है डेटा की सिक्योरिटी। और एक्सेस सिक्योरिटी से मुराद है कि कौन से यूजर को डेटा के प्रिविलेजेस देने चाहिए और कौन से यूजर को डेटा के प्रिविलेजेस नहीं देने चाहिए। मिसाल के तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो आमतौर पर मैनेजर को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर को जो प्रिविलेजेस अलाउ किए जाते हैं वो नॉर्मल एम्प्लॉय को नहीं किए जाते। जैसे मैनेजर तमाम डेटा को देख सकता है, डेटा को इंसर्ट भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है, लेकिन एक नॉर्मल एम्प्लॉय सिर्फ डेटा को व्यू ही कर सकता है, वो डेटा को डिलीट करना भी चाहे तब भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको ये प्रिविलेजेस ही हासिल नहीं है, उसको ये राइट ही नहीं है। और दोस्तों ये जो राइट है ये कौन प्रोवाइड करता है, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर को,
ये तमाम प्रिविलेजेस डेटा एडमिनिस्ट्रेटर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की मदद से प्रोवाइड कर सकते हैं। और एक्सेस सिक्योरिटी से मुराद भी यही है कि डेटा को अनऑथराइज्ड यूजर्स से बचाना। तो दोस्तों एक्सेस सिक्योरिटी के बाद जो आखिरी फीचर है डीबीएमएस का वो है बैकअप एंड रिकवरी। दोस्तों बैकअप से मुराद है कि डेटा की एक और कॉपी बना लेना, और उस कॉपी को इसीलिए बनाना कि अगर आपके डेटा को नुकसान पहुंच जाए या कोई डिजास्टर हो जाए जिसकी वजह से डेटा बाद में डिस्ट्रॉय हो जाए या उसको डिस्ट्रॉय होने का खतरा हो तो बैकअप मौजूद हो ताकि डेटा के डिस्ट्रॉय हो जाने की सूरत में कंपनी को किसी किस्म का कोई नुकसान ना उठाना पड़े। और दोस्तों अगर आपका डेटा डिस्ट्रॉय हो जाए, खराब हो जाए, लॉस हो जाए, और क्योंकि आपके पास बैकअप मौजूद है तो उस सूरत में उस डेटा की कॉपी को दोबारा डेटाबेस में रख देने के अमल को कहा जाता है डेटा रिकवरी, कि डेटा के लॉस हो जाने की सूरत में डेटा रिकवर्ड हो जाए। और दोस्तों ये सब डीबीएमएस के तमाम फीचर्स हैं। यहाँ पर हमारे लेक्चर का अख्तितम हुआ। अगले लेक्चर में हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की डिटेल्स देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।